एसेट को समझना है। अब देखिए एक चीज बड़ी साफ है, एक चीज बड़ी साफ है कि भाई करंट एसेट के अंदर ही हमारा क्या होगा, करंट एसेट के अंदर हमारा क्या होगा, क्विक एसेट, यानी कि जो करंट एसेट है वही तो क्विक एसेट होगा, पक्की बात है सर, मानते हो ना, क्योंकि करंट एसेट ही हमारा क्विक एसेट होगा, पर क्विक एसेट हमारे करंट एसेट होगी या नहीं होगी सर, वो भी होगी, ठीक है, समझते हैं कैसे। अब क्विक एसेट हमारी कौन सी होगी, क्विक एसेट वो होती है जो विद इन शॉर्ट पीरियड में 2 महीने 1 महीने 3 महीने में ऐसे कैश में कन्वर्ट हो जाती है, सर समझते हैं, चलिए कैश हमारा कैश में कन्वर्ट हो जाता है, ऑब्वियस सी बात है सर, कैसी बातें कर रहे हैं आप, ठीक है जी, यस है, बैंक अगर क्या सी गल्ला करता तो सी, डेटर्स, डेटर्स कैश में कन्वर्ट होते, तो भाई मैंने तुम्हें उधार पे माल बेचा, मैंने मैंने उधार पे माल खरीदा या बेचा जो भी है, तो डेटर से पैसा आ सकता कि नहीं आ सकता, डेटर से पैसा आ सकता भाई, मैं बोलूंगा कल चाहिए मुझे, परसों चाहिए, एक हफ्ते बाद चाहिए, 2 महीने बाद चाहिए, वो देगा, ठीक है सर, स्टॉक, स्टॉक सर, स्टॉक से पैसा आ जाएगा, नहीं सर स्टॉक से पैसा नहीं आएगा, क्योंकि इसमें अभी क्या करनी है, मैन्युफैक्चरिंग करनी है, फिर सेल करनी है, कब तो मैन्युफैक्चर होगा और कब सेल होगा, चलो मैन्युफैक्चर एक दिन में हो भी गया, क्या गारंटी है कब बिके, क्या बिके कब बिके, तो सर ये मेरा क्या है, ये क्विक एसेट नहीं है, तो ये मेरा कहां जाएगा, करंट एसेट में, तो यहां पर क्या आ गया मेरा, स्टॉक, क्लियर सर, बिल रिसीवेबल सर आराम से कन्वर्ट हो सकता है कैश में, आउटस्टैंडिंग इनकम सर आराम से आ सकती है, प्रीपेड एक्सपेंस, जैसे मैंने घर में काम लगा रखा है, मकान बनवा रहा हूं मैं, थोड़ा सा इंस्टीट्यूट को रिनोवेट कर रहा हूं, ठीक है जी, अपने इंस्टीट्यूट में मैं थोड़ा रिनोवेशन कर रहा हूं, थोड़ा सा बड़ा कर रहा हूं उसको, तो मैंने मिस्त्रियों को पैसा दे दिया एडवांस में, वो पहले बोलेगा छूटते बाबूजी ऐसा ऐसा खर्चा ये खर्चा, मुगर कुछ पैसा चाहिए 1-2 लाख उनको, एडवांस दे दिया मैंने, ठीक है जी पैसे दे दिए, काम पूरा पड़ जाता 10-12 लाख का, 1-2 लाख दे दिए, अब मैं उसे तुरंत वापस मांग सकता हूं, वो पैसे देगा ही नहीं, वो उसके बदले क्या देगा मुझे, बिल्कुल वो सर्विस देगा, कोई पैसा नहीं देता वापस, कोई देता आप करके देखिएगा, आप चाहे बेशक मुझे एडवांस फीस दे दो, मैं पैसे वापस नहीं करूंगा, मैं बोलूंगा पूरा पढ़ो पैसे एडजस्ट करेंगे हम, है ना भाई, पैसे वापस क्यों करें, फॉर्म में भी साफ लिखा हुआ है, ठीक है, तो प्रीपेड एक्सपेंस भी कहां आ गया हमारा, यहां आ गया प्लस प्रीपेड एक्सपेंस, क्लियर है, समझ में आ रहा है सर, शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांसेस सर हो सकते हैं इसलिए कन्वर्टेड, यानी मेरा फॉर्मूला क्या बना क्विक एसेट का, करंट थोड़ा यहां लिख देते हैं, मेरा फॉर्मूला क्या बन गया, करंट एसेट्स माइनस प्रीपेड एक्सपेंस प्लस स्टॉक, अब सर बताओ याद करने की जरूरत है कुछ, हमने क्या समझा, हमने वो समझा कि करंट एसेट्स वो करंट एसेट्स जो इजिली कन्वर्टेड हो जाते हैं इजिली वन साइक्लिक पीरियड में, और क्विक एसेट जो 3 महीने में, पर स्टॉक और प्रीपेड, स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंस हमारा सर किसी भी हालत में कैश में कन्वर्ट तुरंत नहीं हो सकता, टाइम लेगा, ये तो इम्पॉसिबल है मान के चल लो, और ये सर कब तो कहते हैं ना कब राधा नाचेगी कब नॉर्मल तेल होगा ऐसी कुछ होता, कहा तो याद नहीं आ रही है मुझे वही ये कहानी, ठीक है ना, कब तो मैन्युफैक्चरिंग होगी कब सेल होगी कब ऐसा वापस आएगा, तो ठीक है ये हमारा फॉर्मूला बन चुका है सर, तो लिखिए इसको इतना, तो हमने बच्चे क्विक एसेट को समझ लिया कि क्विक एसेट का फॉर्मूला क्या होता है, क्विक एसेट कैसे निकलती है, क्विक एसेट किसको बोलते हैं, थोड़ा सा मैं इसको इलाबोरेट कर लेता हूं बच्चे क्विक लायबिलिटीज को, फिर हम इस फॉर्मूले पे बाद में आएंगे, ठीक है ना, हम इसको समझ लेते हैं, तो सर वैसे ही सेम है हमारा, हम लिखते हैं यहां पर सर करंट लायबिलिटीज कौन कौन सी होती है सर हमारी, अगर उसी को ले लू तो मैं डेटर के बदले यहां पर क्या आ जाएगा, क्रेडिटर्स आ जाएगा, बिल्स पेबल आ जाएगा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आ जाएंगे, और क्या आ सकता है, बैंक ओवरड्राफ्ट आ सकता है, और सीसी कैश क्रेडिट, क्या होता है सीसी कैश क्रेडिट। अच्छा अब मुझे बताइए इसमें से कि कौन सी जो करंट लायबिलिटी है वो जल्दी पेड ऑफ हो जाती है, क्रेडिटर्स सर, क्रेडिटर्स टाइमली हो जाते हैं, बिल्स पेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ये दो इत्तेफाक से दोनों लास्ट में आ गए, ये दो नहीं होता, थोड़ा इनको इलाबोरेट करता हूं मैं, ठीक है ना,
क्या होता है? बैंक ओवरड्राफ्ट। सर बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है? खासकर बैंक ओवरड्राफ्ट किनको मिलता है? जिनका करंट अकाउंट होता है बैंक में, ठीक है ना, जिनका क्या होता है, करंट अकाउंट होता है। और ये सारे कौन से होते हैं? बिजनेसमैन होते हैं। बिजनेसमैन को लिमिट मिलती है उधार लेने की, एक लिमिट मिलती है कि भाई आप 3 महीने में 6 महीने में कम से कम 5 लाख का लोन ले सकते हो या 50 लाख का लोन ले सकते हो, बैंक आपको प्रोवाइड करेगा और आप इसको आराम से चुकाओ। वो कभी नहीं कहता चुकाओ 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 चुकाओ, क्यों? उसे पता है कि जितना पेंडिंग रहेगा बैंक के ऊपर इनका पैसा, वो उतना डबल ब्याज जोड़ते रहेंगे, ठीक है सर। बैंक कभी नहीं कहता बिल चुकाओ। अगर आपका बिजली का बिल उसमें डेट होती है कि इस तरह का चुकाओगे, डेट होती है। पानी के बिल में भी डेट होती है, जिनको बोलते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ठीक है ना। पानी के बिल में, बिजली के बिल में, मोबाइल के बिल में, हर चीज में क्या होती है, डेट होती है कि भाई आपने इस समय तक चुकाना है। पर बैंक ओवरड्राफ्ट कभी डेट नहीं देता, कहता आपका अपना बैंक है, पैसा का फायदा उठाओ, पैसे का फायदा उठाओ, पैसे का फायदा उठाओ, बस हमें ब्याज 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 देते रहो, ठीक है सर। दूसरा कैश क्रेडिट क्या होता है? ये हो गया सर बैंक ओवरड्राफ्ट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। कैश क्रेडिट क्या होता है? आपके पास होंगे, आपके पापा के पास होंगे या दीदी या भैया के पास होंगे क्रेडिट कार्ड्स, समझते हो, क्रेडिट कार्ड्स। क्रेडिट कार्ड में सपोज करो आपने शॉपिंग कर ली, मैंने शॉपिंग करा दे है ना, चिटिया कलाइया हुए, 10,000 रुपए की आपने क्या कर ली, शॉपिंग कर ली। गर्ल्स के लिए तो 10,000 कम है, बॉयज के लिए बहुत ज्यादा है। गर्ल्स गलत तो नहीं कह रहा मैं, 10,000 कम है ज्यादा है, कम है, क्योंकि भाई 8,000 का तो लहंगा ही आ जाता है कई बार, 7,000 6,000 5,000 का लहंगा ही आ जाता है, लहंगा होता ही महंगा है, पर चलो जो भी आपका। अब देखिए क्रेडिट कार्ड कंपनी क्या बोलती है, सर मिनिमम बैलेंस पे कर दीजिए आप प्लीज, मिनिमम आउटस्टैंडिंग दैट इज द 5% ऑफ द टोटल सेल, दैट मीन द 500 रुपीज ओनली। ओह माय गॉड, आप खुश? आपने 500 रुपए चुका दिए फिर अगले महीने, सर ओनली 5%, ओनली 5%, ठीक है भाई, 10,000 का 5% 500 ही हो रहा ना, तो बस आपने 500 देने, और ये आपके ऊपर पेंडिंग बढ़ता रहेगा क्या, ब्याज। सर बहुत तगड़ा ब्याज आता है, 10,000 की शॉपिंग आपको 15,000 से 20,000 की पड़ सकती है, समझ गया, अगर आपने टाइमली पे नहीं किया तो। तो ये दो चीजें ऐसी होती है जहां पर वो कह रहे हैं कि हमें लायबिलिटी जल्दी चुकाने की जरूरत नहीं है, आप आराम से हमारी सर्विसेज का मजा लीजिए और बस ब्याज देते रहिए, ठीक है सर। तो अब यहां पर इस फॉर्मूले को इसलिए मना किया गया क्योंकि भाई प्रूडेंस लॉ क्या कहता है कि फ्यूचर के होने वाले लॉस को जरूर बताया जाए। अब ये फ्यूचर का होने वाला लॉस है सर, क्योंकि लॉस किस फॉर्म में आ रहा है, दोनों में सर इंटरेस्ट की फॉर्म में लॉस आ रहा है। आपको 10,000 के बदले 15,000 देने पड़ रहे हैं, अच्छी बात है। 5 लाख की जगह आपको 6 लाख चुकाना पड़ रहा है, अच्छी बात है। सर एक एक रुपया बहुत कीमती होता है और आप एक्स्ट्रा ब्याज दे रहे, तो सर ये क्या है, प्रूडेंस लॉ के खिलाफ है। उन्होंने कहा भाई नहीं, यहां पर हम केवल क्या लेंगे, क्विक एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी ली जाएगी हमेशा। तो फॉर्मूला क्या बन गया मेरा, ये मेरा फॉर्मूला एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं। तो क्वेश्चन क्या कहता है, कंप्यूट द करंट रेशियो, क्या निकालना हमने इसमें, करंट रेशियो निकालनी है और दूसरी क्या निकालनी है, क्विक रेशियो। तो पहले बात कर लेते हैं करंट रेशियो की। अगर हमने करंट रेशियो निकालनी है तो हमें क्या चाहिए अंजलि, क्या ढूंढे हम यहां पर, करंट रेशियो चाहिए तो करंट एसेट ढूंढे और करंट लायबिलिटी को ढूंढ लिया, ठीक है ना। तो इन दोनों चीजों को ढूंढा जाएगा। तो सबसे पहले हमें यह पता चलना चाहिए कि गिवन इन्फॉर्मेशन में हमारे पास करंट एसेट कौन सी है और करंट लायबिलिटीज कौन सी है। करंट एसेट्स वो होती हैं जो एक साइक्लिक पीरियड के अंदर कन्वर्ट हो जाती है कैश के अंदर, ठीक है। तो गुडविल हमारी क्या है, फिक्स है, नॉन करंट एसेट है। लैंड एंड बिल्डिंग नॉन करंट एसेट है। स्टॉक करंट एसेट हो गई हमारी, ठीक है जी। संडे डेटर करंट एसेट, कैश करंट एसेट, पेमेंट इन एडवांस करंट, बिल्स रिसीवेबल वेरी गुड, एडवांस इनकम टैक्स पेड बिल्कुल, ठीक है जी। संडी क्रेडिटर्स करंट लायबिलिटी, बिल्स पेबल वेरी गुड, बैंक ओवरड्राफ्ट करंट लायबिलिटी, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन करंट लायबिलिटी, प्रपोज डिविडेंड करंट लायबिलिटी, इसको तो भूल भी नहीं पाएंगे, है ना भाई, बहुत अच्छा है तो, ठीक है। प्रिजर्व रिजर्व फॉर द डेफर्ड टैक्सेशन, डेफर्ड टैक्सेशन मैंने आपको सीएफएस की क्लास में क्लियर किया था। डेफर्ड टैक्सेशन क्या होता है कि आप फ्यूचर के लिए प्रिडिक्ट करके रखते हैं कि भाई इतना हम टैक्स को चुकाएंगे, तो उसलिए रिजर्व बना रखा, तो दैट रिजर्व शुड बी फॉर द लॉन्ग टर्म, तो दैट्स व्हाई इट विल बी नॉट काउंटेड इन अ करंट लायबिलिटी, ठीक है, इट विल नॉट काउंटेड इन अ करंट लायबिलिटी। अब देखिए करना क्या है हमने, सिंपल अब हम करेंगे यहां पर लिख देंगे करंट एसेट लिख देंगे, ठीक है जी, हम क्या लिख देंगे, करंट एसेट लिख देंगे,
तो यहाँ इसको करने के बाद हमने क्या लिखना है, सो करंट एसेट को पहले हम वर्ड्स में लिखेंगे, स्टॉक, सन्डे डेटर्स, कैश, पेमेंट इन एडवांस, बिल रिसीवेबल, एडवांस इनकम एंड टैक्स, फिर इसको वर्ड्स में लिख के नंबर्स में लिख लिया, फिर इसका हमने टोटल कर लिया, टोटल कितना आ रहा है मेरा इसका, कितना आ रहा बेटा टोटल 51,450 आ गया, और इसका टोटल कितना आ रहा है 34,300। अब हमारे को लिखना है फॉर्मूला, तो हम लिखेंगे यहाँ पर करंट रेशो, जो फॉर्मूला बनता हमारा बन जाता है करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज। सर करंट एसेट का टोटल कितना है हमारा 51,450 और यह आ गया हमारा 34,300। सॉल्व किया तो आया मेरा 1.5। अब इसको हमने प्योर फॉर्म में लिखना है जो पहला था हमारा, तो प्योर फॉर्म में लिखने के लिए हमेशा वन लिख देंगे, तो हमारा आंसर क्या बन गया, हम यहाँ पर लिखेंगे करंट रेशियो इक्वल्स टू 1.5/1। दैट्स इट। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगली वीडियोस में हम दो तीन क्वेश्चंस और करेंगे न्यूमेरिकल बेस्ड, जिसमें एज्यूम्ड वाले क्वेश्चंस भी होंगे, क्योंकि अगर आप सोच रहे हैं कि इतना आसान क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो बेटा आपकी बिल्कुल गलत सोच है। एग्जाम आपके हिसाब से नहीं बनेगा, एग्जाम बनता है सीबीएसई के पैटर्न के हिसाब से, जिसमें कि क्वेश्चन आपका क्या होगा, लेवल थोड़ा अपग्रेड होगा, ठीक है ना। तो होप सो आप अच्छा करेंगे पेपर। थैंक यू, हैव अ गुड डे। आप नोट कर लीजिए, मैं साइड में हो जा रहा हूँ।